नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त हो गया है दोपहर की फटाफट खबरों का। श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट के बीच कोलंबो में सड़क पर उतरे लोग, वहीं विपक्ष ने राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग पर किए हस्ताक्षर। यूक्रेन की राजधानी किम में लोगों का जीना हुआ बेहाल, बिजली पानी की लाइनें टूटी, लोग कर रहे हैं पलायन। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के भुज में पटेल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया, बोले लोगों को मिलेगा सस्ता और बेहतर इलाज। देश के उत्तरी हिस्से में लू और गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है, जहां इन दिनों पारा 40 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने लगा है और अप्रैल के महीने में ही मई जैसी चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है। अरुणाचल प्रदेश के पांगिन में आज भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, भूकंप की तीव्रता 5.3 मापी गई, हालांकि भूकंप से कोई नुकसान की खबर नहीं है। आज पृथ्वी से टकराएगा सूर्य से उठा भू चुंबकीय तूफान, इसके चलते कई देशों में रेडियो सिग्नल गड़बड़ाने के साथ कमजोर पावर ग्रिड में खराबी पैदा होने की आशंका जताई जा रही है। ठेकेदार संतोष पाटिल मामले में उकसाने के आरोपों का सामना कर रहे कर्नाटक के मंत्री KS ईश्वरप्पा आज अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के लिए अब नहीं चलेगा कोई कोटा, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने फिलहाल सांसदों सहित केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले से जुड़ी सभी 17 श्रेणियों के विशेष कोटे पर रोक लगा दी है। इंडिगो की डिब्रूगढ़ दिल्ली फ्लाइट में उड़ान के दौरान बड़ा हादसा टल गया, जहां यात्री के फोन में अचानक आग लग गई, वहीं चालक दल के सदस्यों ने वक्त रहते स्थिति को संभाल लिया। पदोन्नति में आरक्षण के लिए SC ST के आंकड़े जुटाएगा केंद्र, क्रमिक व प्रशिक्षण विभाग ने सभी विभागों को जारी किया आदेश। यूपी में एक दर्जन से अधिक IAS और 14 IPS अधिकारियों के किए गए तबादले। बिहार के पटना साहिब महोत्सव में जेल में बंद मोकामा विधायक अनंत कुमार सिंह को विशिष्ट अतिथि बनाए जाने पर लोगों ने आपत्ति जताई है, इंटरनेट मीडिया पर पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन का आमंत्रण पत्र वायरल हो रहा है। दिल्ली में गैर सहायता प्राप्त एक निजी स्कूल के शिक्षकों की तरफ से दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम निर्णय सुनाते हुए कहा कि गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूल के कर्मचारी भी सरकारी स्कूल के कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभ पाने के हकदार हैं। पंजाब के पूर्व CM चरणजीत सिंह चन्नी के कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय में तैनात अधिकारियों से भी ED पूछताछ करेगी। दरअसल पूछताछ के दौरान चन्नी ने ट्रांसफर व पोस्टिंग से जुड़े फैसले से पल्ला झाड़ते हुए इसकी जिम्मेदारी CMO में तैनात अधिकारियों पर डाल दी थी। हरियाणा में बिजली संकट पर खतरा मंडरा है, जहां पानी पर थर्मल में महज 7 दिन का कोयला बचा है। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पर शिकंजा कसने जा रहा है, जहां आयुर्वेद विश्वविद्यालय के साथ ही कर्मकार कल्याण बोर्ड में हुए घपले की जांच की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। झारखंड के पूर्व मंत्री सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर कोरोना संक्रमण के दौरान अपात्रों को पैसे देकर घोटाला करने का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बिना तैयारी के पहुंचे कांग्रेस मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्षों पर बिफरे कांग्रेस के प्रभारी, कहा 2023 में कैसे होगी सरकार में वापसी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने किया बड़ा ऐलान, कहा जिन लोगों के घर को पहुंचा है नुकसान उनके घर को सरकार बनाएगी और नुकसान पहुँचाने वाले से ही वसूली की जाएगी। जम्मू में लश्करे इस्लाम हिंदुओं को भेज रहा धमकी भरे पत्र, लिखा है ना मोदी ना शाह बचा पाएगा। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व सांसद स्वागत राय ने बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध को शर्मनाक बताया। मुंबई के मीरा रोड में पूर्व कांग्रेस विधायक मुजफ्फर हुसैन ने अपने क्षेत्र के मस्जिद में लाउडस्पीकर की आवाज सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुकूल रखने का इंतजाम कर एक मिसाल पेश की है। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले अहमदाबाद पहुंचे AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का मुस्लिम महिलाओं ने काले झंडे दिखाकर जोरदार विरोध किया। राजस्थान के करौली में उपद्रव के बाद दलित और आदिवासी समाज के 500 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। कब्ज दूर करने के लिए त्रिफला का चूर्ण खाएं, इससे कब्ज भी दूर होगा और बाल भी स्वस्थ रहेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज द्वारा विभिन्न नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है, इच्छुक व योग्य उम्मीदवार कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट gargicollege.in के माध्यम से 23 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आज होगा रोमांचक मुकाबला, जहां यह मैच ब्रोबेन स्टेडियम में खेला जाएगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट फाइनली मिसेज कपूर बन चुकी हैं। रणवीर और आलिया की शादी धूमधाम से उनके घर वास्तु में ही हुई। शादी के बाद दोनों की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।
तो ये थी दोपहर की फटाफट खबरें। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए आप मोबाइल न्यूज 24 को अभी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल को दबा दें। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।